सम्मान्य साथियों से निवेदन है कि लोग बैठ जाएं, पंडाल में यथा स्थान बैठ जाएं। बोल किसान हल्ला बोल। सम्मान्य साथियों, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। आज के धरना प्रदर्शन की मजदूरों के साथ इस सरकार ने धोखा देने का काम किया है, लोगों का रोजगार छीनने का काम किया है, यहाँ तक कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी भ्रष्टाचार किया है, कमीशन खोरी हुई है बड़े पैमाने पर और नौजवानों को बेरोजगार कर दिया गया है। हम लोग इसके खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी हमेशा नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ती रहेगी। 2022 में किस तरह का परिवर्तन लाने के लिए आप लोगों ने कमर कसी? आप देख रहे हो, लोग उमड़ पड़े हैं, जनसमूह अपने आप देखिए हुजूम उमड़ पड़ा है। अब ये कहने की जरूरत नहीं है, केवल लोग इंतजार कर रहे हैं समय का, जिस दिन वोट डालने का मौका आएगा इन अतिताइयों का, इन भ्रष्टाचारियों का, इन चोरों का पता नहीं चलेगा। जिस तरह से लगातार कल किसान बिल विरोधी भी पास, किसान बिल पास हो गया है, आपको क्या लग रहा था ये कहीं तानाशाही है? तानाशाही है। आप देखिए राज्यसभा में बिल्कुल गलत तरीके से वो बिल पास किया गया, लेकिन डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि अगर सड़कें खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी, तो हम संसद को आवारा नहीं होने देंगे, सड़कों को गुलजार कर देंगे, सड़कों को समाजवादी पार्टी ऐसे ही दिखाई देगी हमेशा। समाजवादी पार्टी को हल्ला बोल।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे और इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। भाई साहब मेरा बात, भाई तीन लाइन मेरा, जब तीन लाइन